आर्थिक नियोजन की विशेषताओं की निरंतरता में अब हम आगे के विभिन्न विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे, और इसमें सबसे पहले हम लेते हैं साधनों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ रिसोर्सेज। आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए संसाधनों का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है, और साधनों के पूर्ण ज्ञान के पश्चात ही आर्थिक नियोजन के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इसके लिए विभिन्न साधनों से संबंधित पर्याप्त और व्यवस्थित समंक उपलब्ध किए जाने चाहिए। नियोजन की सफलता के लिए मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, बचत, पूंजी निर्माण आदि से संबंधित आंकड़े उपलब्ध होने चाहिए। भारत में प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर बड़े पैमाने की जो योजनाएं हैं वो बनाई जा सकती है। अगला बिंदु है साधनों का कुशल उपयोग, फ्रूटफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। उपलब्ध सीमित संसाधनों का पूर्ण निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में इस प्रकार उपयोग किया जाता है कि उनका अधिकतम लाभ संभव हो सके। संसाधनों का श्रेष्ठतम ढंग से कुशल उपयोग किया जाता है। राजकीय नियंत्रण, गवर्नमेंट कंट्रोल। आर्थिक नियोजन में अर्थव्यवस्था संबंधी गतिविधियों पर उचित राजकीय नियंत्रण आवश्यक माना जाता है। आर्थिक नियोजन में स्वतंत्र अर्थतंत्र को या तो समाप्त कर दिया जाता है या सीमित रखा जाता है। सार्वजनिक उपक्रम केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित होते हैं। संयुक्त क्षेत्र में सरकार की भागीदारी होती है और निजी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों पर राजकीय हस्तक्षेप होता है। तो आर्थिक नियोजन पर राजकीय हस्तक्षेप अथवा जो नियंत्रण का जो उद्देश्य है वो नियोजन के लक्ष्यों को निर्धारित समय में प्राप्त करने के लिए होता है। सार्वजनिक उपक्रमों का विकास, डेवलपमेंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। आर्थिक नियोजन में सरकार सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना करके औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। आधारभूत उद्योगों की स्थापना का दायित्व तो प्राय सरकार पर ही होता है। सरकार सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना करके क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का प्रयास करती है। भारत में आर्थिक नियोजन में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या और उनमें नियोजन में भारी वृद्धि हुई है। आर्थिक एवं सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, चेंजेज इन सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। आर्थिक नियोजन से सामाजिक और आर्थिक ढांचा बदलता है। आर्थिक क्रांति के लिए सामाजिक क्रांति अनिवार्य है। समाजवादी और साम्यवादी देशों में आर्थिक नियोजन से सामाजिक और आर्थिक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आर्थिक नियोजन से आर्थिक घटक यथा बचत, विनियोग दर, बैंकिंग, बीमा, आर्थिक संगठन, व्यापार आदि में संरचनात्मक बदलाव आता है। आर्थिक परिवर्तन सामाजिक क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन ला देते हैं। अर्थव्यवस्था का जो रूढ़िवादी ढांचा है वह धराशायी होकर प्रगतिशील संस्थाओं को जन्म देता है। सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर। आर्थिक नियोजन का अंतिम उद्देश्य सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना होता है। नियोजन में देश के उपलब्ध संसाधनों का समुचित प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तथा इनकी संरचना में परिवर्तन से अधिकतम कल्याण का लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। जन सहयोग, आर्थिक नियोजन की सफलता जन सहयोग पर निर्भर है। जन सहयोग के अभाव में योजनाओं की सफलता संदिग्ध ही होती है। जन सहयोग जन जागृति से संभव होता है। भारत में
कुछ एक योजना सफल नहीं होने का प्रमुख कारण जन सहयोग का अपेक्षित नहीं होना है। भारत में लोगों की यह धारणा कि योजनाएं तो सरकार की है और विकास में बाधा है। अगला बिंदु है मूल्य तंत्र पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर प्राइसेज। आर्थिक नियोजन में मूल्य तंत्र पर केंद्रीय नियोजन सत्ता का प्रभावी नियंत्रण रहता है, जिससे मूल्य तंत्र प्राय प्रभावहीन हो जाता है। मूल्य तंत्र जनित आर्थिक अस्थिरता आर्थिक नियोजन के कारण समाप्त हो जाती है और सरकार हस्तक्षेप करके बाजार शक्तियों को वांछित दिशा देती है। प्रगति मूल्यांकन प्रोग्रेस इवेल्यूएशन। आर्थिक नियोजन में प्रगति मूल्यांकन आवश्यक होता है। इसके लिए योजनाओं के लक्ष्य और योजनाओं की प्राप्ति के अंतर का विश्लेषण किया जाता है। योजनाओं का मूल्यांकन भावी योजनाओं की सफलता का आधार बनता है। योजनाओं के लक्ष्य प्राप्ति वास्ते पंचवर्षीय योजनाओं की मध्यावधि मूल्यांकन भी आवश्यक समझा जाता है और मूल्यांकन से बदली हुई परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य की योजनाओं को व्यावहारिक बनाया जा सकता है। तो आर्थिक नियोजन की ये जो उपयुक्त परिभाषाएं हैं, ये एक प्रकार से आर्थिक नियोजन के सामान्य तत्व भी है। और जो जितने भी विकासशील देश हैं और विकासशील देशों में जिन भी विकासशील देशों में आर्थिक नियोजन को आत्मसात किया गया है, तो यह आवश्यक नहीं कि ये सभी विशेषताएं सभी आर्थिक नियोजन आत्मसात करने वाले देशों में लागू हो। प्राय अलग-अलग देशों में आर्थिक नियोजन की अलग-अलग विशेषताएं विशेष महत्व रखती है। सभी विशेषताओं का पाया जाना अनिवार्य नहीं होता।